कौन सी तिथि? पंचमी। चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष। श्रावण महीने की पंचमी के दिन शंकर भगवान पर जिस परिवार के व्यक्ति का कांवड़ जल हमने बताया है आपको, जरूरी नहीं है कि डंडा बांधकर दो कांवड़ के जल के लोटे लेकर जाओ, आप अपने हाथ में भी दो पात्र लेकर जा सकते हैं। पंचमी तिथि के दिन हाथ में दो लोटे जल के, दो कलश जल के जब हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं तो ऊपर जो कमंडल होता है शिव जी के ऊपर जलधारी होती है जिसमें जया विषहरा शामली बारी गौतली और देव शंकर भगवान की पांच बेटियां जिसमें विराजमान होती हैं, जब हम जल समर्पित करते हैं हमारे पीढ़ी में परिवार में अगर कोई अधोगति में मर गया होता है, कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, गर्भ में मर गया होता है, गर्भ के बाहर निकल कर भी अगर कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, तो श्रावण महीने की दोनों पंचमी पर परिवार का अगर कोई एक व्यक्ति भी जल चढ़ा देता है शंकर भगवान पर तो सर्प की योनि में नहीं पड़ता, जीव मुक्त हो जाता, प्रेत योनि में सर्प की योनि से मुक्त हो जाता। महाराज हमारे यहाँ सांपों की पूजन कौन से दिन होती है, कौन सी तिथि में करते हैं? जम के बोलो जरा। नाग पंचमी। नाग पंचमी का मतलब क्या है? सांपों की पूजन करो। नाग पंचमी का मतलब होता है शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर दो। उसका कारण क्या है कि हमारे परिवार में हमारे कुटुंब में परिवार में कोई सात पीढ़ी के अंतर्गत भी अगर कोई जीव तड़प रहा होता है, पड़ा हुआ होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है, तो पंचमी का चढ़ा हुआ जल उस जीव को प्राप्त हो जाता है और वो जीव तर जाता है, उसका फिर जन्म नहीं होता। इसको मुक्तता का इसी को कहेंगे कि चढ़ाते हो आप लोग पंचमी के दिन, चाहे नाग पंचमी हो चाहे श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की चाहे कृष्ण पक्ष की पंचमी हो, शिवजी पर जल चढ़ाया गया और समझ लो अच्छे से श्रावण महीने की पंचमी के दिन देव अधिदेव महादेव पर चढ़ाई गई शमी पत्र शंकर भगवान पर चढ़ाई गई शमी पत्र आस्तिक मुनि का नाम लेकर, कौन से मुनि? आस्तिक मुनि का नाम लेकर शमी पत्र को वापिस उठाकर उसको अपने दरवाजे की चौखट पर कहीं पर भी या द्वार पर कहीं पर भी एक ओर रख देने पर घर के अंदर बगीचे के अंदर सर्प प्रवेश नहीं करता। ध्यान रखिए, सर्प प्रवेश नहीं करे। शमी पत्र समर्पित करने पर उस शमी पत्र को आस्तिक मुनि का स्मरण करने, कौन से मुनि है? आस्तिक मुनि का स्मरण करने पर भीतर घर के अंदर बगीचे में सर्प भी प्रवेश। उस शमी पत्र में
जया विषहरा शामली बारी दौतली और देव, ये पांचों कन्याओं का भाव प्रकट हो जाता है और वो कन्याएं हमारे घर के द्वार की रक्षा करती है। तुम्हारे घर की बहन बेटी क्या करती है? तुम्हारे घर की बहन बेटियां क्या करती हैं? घर में बहन बेटी आती